गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अशोक कुमार, एफटीवी फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? सो लेट अस लुक फॉर दैट। कम्युनिकेशन सिस्टम, सो बेसिकली इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑलवेज से that I am communicating with you, I am communicating with that person, I am communicating with this person. So actually, what is communication? So in briefly, I can say, if I want to define communication, then the definition of this is like this. Communication is the process is the process by which the information is transmitted from one place one place to another place by using some medium or channel. Here I have defined two or more things. Let us look for them. Firstly, I have defined the information, and the other thing I have defined here, medium or channel. अब हमें बात करनी है कि आखिर ये information होती क्या है। तो communication system ने क्या कहा? इसने ये कहा कि communication एक ऐसी process है जिसके द्वारा हम information को transmit करते हैं एक position से दूसरी जगह पे, मतलब कहें तो एक जगह से दूसरी जगह पे। Just an example, अगर मैं मोबाइल पे बात करता हूं तो जैसे मैंने अपने नंबर मिलाए और मेरे को किसी अपने दोस्त से बात करनी है तो क्या करूंगा मैं? अगर मेरा दोस्त दूसरी जगह पे है तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया मेरे फ्रेंड के पास में। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट किया। अब बात आती कि इंफॉर्मेशन आखिर होती क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सो फर्स्टली आई विल डिफाइन व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, लेट अस लुक फॉर दैट। इंफॉर्मेशन को अगर हम समझना चाहें तो इंफॉर्मेशन इज द इट कंजिस्ट ऑल दोज टाइप ऑफ डेटा, वॉइस और से वीडियो कॉल। यानी हम कहें अगर हम हमारे डेटा को भेजना चाहते हैं, अगर मैं मेरी एक मूवी है उसको मैं कहीं दूसरी जगह पे अपलोड या डाउनलोड करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि मैंने इंफॉर्मेशन को डाउनलोड किया, मैंने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया। अगर मुझे फोन पे बात करनी है किसी से तो मैं कहूंगा मैंने वॉइस कम्युनिकेशन बनाया। अगर मेरे को वीडियो कम्युनिकेशन करना है देन आई विल से दैट आई हैव मेड द वीडियो कम्युनिकेशन। सो ऑल दिस टाइप थिंग्स व्हेन वी हैव टू शेयर समथिंग विद अदर वन दैट इज इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को बहुत तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने टेम्परेचर का डिफाइन किया या मैं कहूँ कि मैंने वेदर इंफॉर्मेशन लिया, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो ये कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, वी हैव टू दिस। तो हम किसी चीज को डिफाइन करने से पहले उसका एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है? ब्लॉक डायग्राम हमें एक जस्ट ओवरव्यू दे देता है कि अगर हमें वी हैव टू मेक सम कम्युनिकेशन विद एनीवन देन वी हैव टू फॉलो दीज एंड दीज स्टेप्स ब्रीफली। सो लेट अस लुक फॉर दैट व्हाट आर द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। सो नेक्स्ट टाइम आई विल डिफाइन बेसिक ब्लॉक डायग्राम। सो अब इस ब्लॉक डायग्राम में आकर क्या हुआ है, क्या होता है इसमें देखते हैं। जैसे बताया ब्लॉक डायग्राम मेरे को ओवरव्यू देता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको तो क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं वो हमें देखना पड़ता है। सो देखते हैं अभी पहले। सबसे पहले जो होता है मेरे पास एक इंफॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सोर्स, ये अगर मैं एक ब्लॉक में यहाँ पे डिफाइंड कर दूँ,
क्योंकि मैं ब्लॉक डायग्राम है तो मैं नॉर्मली इसको ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा। देन आफ्टर द इंफॉर्मेशन सोर्स आई हैव सम सोर्स ट्रांसड्यूसर्स। आई विल लेटर डिफाइन व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, दैट इज सोर्स ट्रांसड्यूसर। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड विद दिस ब्लॉक, मीन्स द इंफॉर्मेशन सोर्स। कहें कि इंफॉर्मेशन सोर्स वो सोर्स है जहां से मेरी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। मीन्स मैंने अपने दिमाग में आइडिया बनाया कि मैं मुझे अपने दोस्त से बात करनी है, तो वहां पे मैं कुछ फोन मिलाऊंगा और मैंने जो बोला, तो वहां पे सोर्स कौन होता है, यानी सोर्स कहें तो जो ट्रांसमीटर होता है, यानी कि जिसको भेजनी है कोई इंफॉर्मेशन, जिसके द्वारा, दैट इज इंफॉर्मेशन सोर्स। और अब इसमें हमारा नेक्स्ट ब्लॉक आता है सोर्स ट्रांसड्यूसर, आई विल डिफाइन इट लेटर। देन इट विल ट्रांस फ्रॉम चैनल सिस्टम, आई विल ऑल्सो डिफाइन। फिर उसके बाद हमारा आता है रिसीविंग ट्रांसड्यूसर। अभी आपको बड़ी कंफ्यूजिंग कर रही होगी ट्रीम, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। तो इट इज नथिंग बट देन वी हैव द अनदर थिंग ब्लॉक, दैट इज डिटेक्शन। अब देखिए हम एक एक टर्म्स को यहाँ पे डिफाइंड करते हैं। ये मैंने कहा इंफॉर्मेशन सोर्स। अब इंफॉर्मेशन सोर्स मैंने अभी आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू बिफोर सम टाइम, कि व्हेन एवर वी हैव टू ट्रांसमिट एनीथिंग, एनी डाटा, एनी वॉइस, एनी वीडियो, दैट इज इंफॉर्मेशन सोर्स। नाउ व्हाट इज दिस टर्म सोर्स ट्रांसड्यूसर, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू नाउ एट दिस लेवल। सो ट्रांसड्यूसर इज डिफाइंड एज विच कन्वर्ट some physical quantity into electric signal। okay, अब मैं यहां पे बताना चाहूं, हमें पता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं कोई ना कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने बोला, तो यहां से मैंने कौन सा साउंड जनरेट किया, यहां पे मैंने किस तरह का सिग्नल जनरेट किया, किस तरह की क्वांटिटी जनरेट करी, तो उस क्वांटिटी को मैं कहूंगा फिजिकल क्वांटिटी। बट आई नो इन द इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे ब्लॉक जो मैं यहाँ पे डिफाइंड कर रहा हूँ ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होंगे इनके बीच में। और मेरे को पता है कि हम जानते हैं, सब जानते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो हमने जो इंफॉर्मेशन भेजी वो तो साउंड की फॉर्म में, तो वहां से उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम इलेक्ट्रिक सिग्नल में जनरेट करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में जाते हो तो वहां पे माइक होता है, टीचर है वो हमेशा एक माइक यूज करता है। तो माइक क्या है वहां पे, माइक हमारे साउंड इंफॉर्मेशन को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में जनरेट करके हमारे जो सर्किटरी होती है उसके अंदर में देता है। तो वहां पे जो आपका माइक है, दैट इज नोन एज ट्रांसड्यूसर, वो वहां पे ट्रांसड्यूसर के काम में आता है। तो यहां से ट्रांसड्यूसर की एक डेफिनेशन बोल सकता हूं मैं कि ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट सम फिजिकल क्वांटिटी इंटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब बात आती है चैनल, व्हाट इज, तो चैनल को मैं डिफाइन, अब आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है कहीं पे, तो चैनल का मतलब होता है या तो मैं वहां पे वायर यूज करूं, आप ये तो है नहीं कि सीधा भेज दोगे इन्फॉर्मेशन, या फिर मैं कहूं फ्री स्पेस। जैसे आपने फोन किया, आप फोन को इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हो, या ट्रांसमिटिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन हाउ यू आर मेकिंग द कॉल्स, यू आर ट्रांसफरिंग द कॉल्स, यू आर ट्रांसफरिंग द डेटा बाय यूजिंग द फ्री स्पेस। देन हियर द फ्री स्पेस इज नोन एज वट, चैनल। बट वेन एवर वी वॉन्ट टू ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन थ्रू द केबल, से आई हैव टू ट्रांसमिट द चैनल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक टीवी चैनल, देन वट आई विल यूज देयर, दैट इज वायर। सो ऑल दिस थिंग्स विच हेल्प्स टू ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन या से रिसीवर, दैट इज चैनल। एंड दिस होल ब्लॉक, आई विल से दिस होल ब्लॉक फ्रॉम इंफॉर्मेशन सोर्स टू सोर्स ट्रांसमीटर इज नोन एज ट्रांसमीटर। नाउ लेट अस लुक, दिस इज नोन एज चैनल। ओके, नाउ द अदर थिंग कम हेयर, दैट इज रिसीविंग ट्रांसड्यूसर। देन आई हैव टू अगेन एक्सप्लेन वट इज ट्रांसड्यूसर वर्क on the receiver side. So here the transducer works
Here the transition works as which convert. Here the convert electrical signal into some physical quantity. जैसे आपको सुनता है, अब माइक में कोई बोलता है तो आपको सुनता है, लेकिन आपके पास में कैसे आया? सर्किटरी में तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चल रहा था, लेकिन उसमें हमने कुछ इस तरह के ट्रांसड्यूसर्स यूज किए होते हैं कि वो हमारे उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमें एक फिजिकल क्वांटिटी में जनरेट करके दे देते हैं। जैसे आपने बोला इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट हुआ, लेकिन आपको फिर से वही आवाज सुनती है, मतलब आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को सुना है वहां पे, दैट इज ट्रांसड्यूसर वर्क्स ऑन द रिसीवर साइड। नाउ अब आपके पास में वो इंफॉर्मेशन आ चुका है, तो अब क्या करना है उसको, मेरे को डिटेक्शन करना है। से डिटेक्शन, अब आपको वो इंफॉर्मेशन सुनना, नाउ यू हैव टू हियर दैट इंफॉर्मेशन, देन हाउ विल यूज दैट इज डिटेक्शन। जैसे से इन द डे टू डे लाइफ इन आवर क्लासरूम द वर्क ऑफ द लाउड स्पीकर, द वर्क ऑफ द लाउड स्पीकर वर्क एज डिटेक्शन, या कहीं डिटेक्टर के रूप में काम करता है। तो मैं कहूं कि ये मेरा जो ग्लोब है, अगर मैं इसको एक नाम देना चाहूं, देन आई विल डिफाइन इट एज व्हाट, रिसीवर। सो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ आवर कम्युनिकेशन सिस्टम, गॉट इट? नाउ लेट अस लुक दैट व्हाट आर टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड व्हाट आर देयर फ्रीक्वेंसी रेंजेस। सो टाइप ऑफ द सिग्नल्स, आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट टाइप सिग्नल्स, सो दिस इज टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। सो फर्स्टली वी हैव वॉइस सिग्नल, जो हम बोलते हैं दैट इज वॉइस सिग्नल। अब क्या होता है कि हमारा एक स्पेक्ट्रम होता है, इन दैट स्पेक्ट्रम वी हैव टू डिफाइन दैट दिस फ्रीक्वेंसी इज अलॉटेड फॉर दैट, बिकॉज ह्यूमन जो आदमी होता है उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, वो उसी के अंदर बोल सकता है, मतलब उससे तेज फ्रीक्वेंसी से वो अपनी आवाज को नहीं निकाल सकता। देन वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज द वॉइस सिग्नल रेंज। तो यहाँ पे जो वॉइस सिग्नल रेंज होती है, जो हम बोल सकते हैं, दैट इज 30 हर्ट्ज़ टू, व्हाट इज हाउ मच, दैट इज 3.5 किलो हर्ट्ज़। यानी हम कहें कि हमारी जो रेंज होती है बोलने की, ये हमारी मिनिमम रेंज होती है और ये हमारी मैक्सिमम रेंज होती है। यानी हम कितना भी तेज चिल्लाएं, कितना भी कुछ भी करें, लेकिन हम इस फ्रिक्वेंसी से ज्यादा की आवाज नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारे वोकल कोर्स की लिमिट होती है कि वो इससे फालतू जनरेट, मतलब इससे ज्यादा हमारी वॉइस को जनरेट नहीं कर सकते। सेकेंड वन is the audio signals. What do you mean by the audio signals? Can you explain? Okay, let us look. Audio signals are those type of signals which we can hear, or say the frequency range which is tolerable to our ears. Ears means हमारे जो कान होते हैं उनको जो tolerable होती है वो frequency range। तो यहाँ पे मैं define करूँ कि जो मेरे audio signals की frequency range होती है वो defined होती है 20 hertz to 20. आई थिंक यू आर नो वेरी फेमिलियर विद द हर्ट्स, किलो हर्ट्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ द, यू नो, दीज आर द यूनिट ऑफ, मीन्स ओनली इन दिस रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज वी कैन हियर द साउंड, and this is known as the audio signals. Then what is the another type of the signals which come into this category, that is video
सिग्नल्स, क्योंकि हमें हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को सेटअप करने से पहले इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस को देखना जरूरी होता है। अगर हम बिना इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस के कोई ट्रांसमिशन करने में चले गए तो हमारी इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा और हम कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो सिग्नल की रेंज क्या होगी? द वीडियो सिग्नल रेंज इज डिफाइंड एज फ्रॉम 0 to 4 मेगाहर्ट्ज। दिस इज साइन ऑफ मेगा, दिस इज द यूनिट ऑफ द हर्ट्ज मीन्स फ्रिक्वेंसी एंड दिस इज ओवरऑल द यूनिट ऑफ द लाइक एज मेगाहर्ट्ज। दिस इज डिफाइंड एज द वीडियो सिग्नल रेंज फ्रॉम 0 to 4 मेगाहर्ट्ज। अगर मैं इस रेंज के बीच में कोई ट्रांसमिशन करता हूँ किसी वीडियो सिग्नल के, जैसे आप मोबाइल पे वीडियो ट्रांसमिशन देखते हो, वीडियो रिसेप्शन देखते हो, तो क्या होता है? वो टोटली मेरा इस रेंज के अंदर मिलेगा, नॉट बिलो दिस एंड नॉट अबव दिस, बिकॉज द ह्यूमन नेचर इज दिस दैट ही कैन ऑब्जर्व, ही कैन सेंस ओनली दिस टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन दिस वर्ल्ड। सो दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ द सिग्नल्स। नाउ बेसिक ब्लॉक डायग्राम, नाउ लेट अस लुक, मे बी यू हैव सम कंफ्यूजन, सो लेट अस लुक अनदर टाइप ऑफ द ब्लॉक डायग्राम फॉर द कम्युनिकेशन, बिकॉज वी हैव सीन दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, बेसिक ब्लॉक डायग्राम फॉर आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वी लुक फॉर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। सो ब्लॉक डायग्राम आई विल रिटेन एज बी डी ओ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे आप नॉर्मली अपने मोबाइल्स वगैरह में यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि ना तो हमारे पास वायर्स कनेक्टेड हैं, फिर भी हम इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। देन अगेन वी हैव टू लुक ओवरव्यू फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। सो लेट अस लुक, फर्स्ट ब्लॉक आई विल डिफाइन हियर एज अगेन एज व्हाट, अगेन आई हैव टू डिफाइन ए, I will written it I dot S, that is information source. Next, I have to transmit this information, then I have to convert firstly into electricity signal, then I will say that is transmitted, that is transmitted, when I have crossed this means transmission, transducer means same work, convert some physical quantity into some electrical signal. Then the next block come here is modulator. This is not familiar for you, ये अभी आप इससे familiar नहीं हो, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। The information transmits start from here, then come here, then we have to transmit this information because I have said wireless. So we no need to connect these all receiver and transmitter through the wire. Then I have to transmit this information using some antenna. This is what is this? This is antenna. So this whole block come here as transmitter. Okay, so now I have transmitted this information, I have to receive this one. So for reception we always have to use some antenna. Okay, then after what? This is antenna. Antenna ke baad mein hum kya use karenge? That is
द सिग्नल्स फ्रॉम दिस एंटीना विल रीच टू द डेस्टिनेशन, जहां भी अपने को चाहिए। अब इस डेस्टिनेशन के बाद में ये सिग्नल हमारा किसमें है, इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। आई हैव टू कम कन्वर्ट इट इनटू फिजिकल फॉर्म, देन आई हैव टू यूज हियर व्हाट दैट इज रिसीवर, दैट इज डिनोटेड बाय आर एक्स ट्रांसड्यूसर। ओके, नाउ दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सम फिजिकल क्वांटिटी, देन व्हाट, देन आई हैव टू ट्रांसमिट दिस टू द डीमोडुलेटर, दैट इज डी मोड्यूलेटर। यू आर ऑल्सो नॉट फैमिलियर विद दिस, बट वी विल बिकम फैमिलियर आफ्टर सम टाइम। ओके, देन आई विल ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टू सम डिटेक्टर, लाइक एज से यू हैव नॉर्मली यूज इन योर, व्हाट इज दिस, दैट इज लाउड स्पीकर। यानी हमने कहा कि हमने हमारे इंफॉर्मेशन सोर्स को यहां से जनरेट किया, ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर के थ्रू मैंने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, वहां से मैंने उसको मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर उसको मैंने ट्रांसमीटर के थ्रू, सॉरी एंटीना के थ्रू मैंने वहां से ट्रांसमिट कर दिया। अब वो सिग्नल एंटीना से ट्रांसमिट होके मेरा रिसीवर के एंटीना पे आता है और फिर डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है, यानी जिसको भी चाहिए मेरे को, जहां पे भी चाहिए, और फिर रिसीवर ट्रांसड्यूसर के थ्रू वो कहां से कहां कन्वर्ट हो जाता है, वो यहां पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इट विल कन्वर्ट हियर इनटू व्हाट, सम फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जैसे आवाज है साउंड है तो साउंड वेव्स में जनरेट हो जाएगा, फिर उसको डिमोडुलेटर के थ्रू हम लेके आते हैं और फिर उसको हम लाउड स्पीकर के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन को हम रिसीव कर लेते हैं। देन दिस इज होल ब्लॉक इज नोन एज व्हाट, दिस होल ब्लॉक इज नोन एज रिसीवर। सो द नेक्स्ट टर्म्स लाइक एज व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन, व्हाई वी नीड डीमोडुलेटर, एंड what are the basic properties for the modulation, what type of the modulation, different type of modulation we have, no? Then we will look for this in next lecture. Thank you so much.